स्टूडेंट्स 1848 के रेवोलूशन के बाद यूरोप में फ्रेंच रेवोलूशन के बाद जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली रियलिज्म का टाइम पीरियड है इसमें जो आइडियल्स एक्सप्लोर किए गए थे रोमांटिक टाइम पीरियड में जिसमें जो रियलिस्ट आर्टिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि वो इमोशनल एग्जेजरेशन है तो उन्होंने जो रियलिस्टिक लाइफ थी जो लाइफ की रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन थी उसको अपनी पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर बनाया कि जिसमें एक ऑर्डनरी इंसान जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो अर्बन लाइफ है या रूरल लाइफ है उसमें जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजारता है उसको एज इट इज़ रिप्रेजेंट किया जा सके और उसमें कोई इमोशनल ड्रामा ना हो उसमें इमोशनल एग्जेजरेशन ना हो उसमें जो सब्जेक्टिव आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस है उसके भी एडिशन ना हो बल्कि उसको एज रियल दिखाया जाए जिस तरह से वो है और उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो कि लाइफ के लिए डिग्रेडिंग है तो उनको भी एज इट इज़ दिखाया जाए तो ये एम्फेसिस था रियलिज्म का और इसकी एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि ऑर्डनरी लाइफ सीन जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मुतासर हुआ एक आम बंदे की ज़िंदगी जिस तरह से मुतासर हुई वो इसका सब्जेक्ट मैटर था और उसमें क्लियरली आर्टिस्ट का फोकस ये होता था कि उसको रियलिस्टिक डिटेल में दिखाया जाए जिस तरह से उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस उस लाइफ का है तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ये 1857 की एक पेंटिंग है द गीनर्स जो कि रोमांटिक टाइम पीरियड की है और इसमें जो अग्लिनेस है पॉवर्टी की और मैनुअल लेबर की उसको बेसिकली कैप्चर किया गया है इसमें जो आप थ्री प्रेजेंट वुमेन देख रहे हैं फोरग्राउंड में उनकी जो चेहरे हैं वो पेंटर की तरफ नहीं देख रहे आपकी तरफ नहीं देख रहे बल्कि वो जमीन की तरफ हैं जहाँ से वो अपनी जो एवरीडे लाइफ है उनकी उसके लिए ब्रेड एंड बटर अर्न करती हैं और उसके साथ साथ आप पीछे देख सकते हैं कि जो स्टैक पड़े हुए हैं वीट के वो रिप्रेजेंट करते हैं जो उस वक्त की अर्बन क्लास है कि वो एक वेल्दी अर्बन क्लास है और वहाँ पे जो क्लास सिस्टम है उसको डिपेक्ट किया गया है जो पीछे आप दो तीन फिगर्स देख रहे हैं बैकग्राउंड में वो वेल्दी क्लास से बिलोंग करते हैं जबकि जो फोरग्राउंड पे वुमेन है वो एक पॉवर्टी का एक्सप्रेशन है इसमें आप ये भी देखें कि जो कॉम्पोजिशन है उसको भी इस तरह से अरेंज किया गया है कि आपका जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो फोरग्राउंड पे वुमेन है और आप सेंट्रल फिगर को देख सकते हैं जिस तरह से उसका पॉस्चर है और जो लाइटर टोन इस्तेमाल किया गया है पूरी पेंटिंग की नस्बत उसकी वजह से आपका फोकल पॉइंट व्यूअर का बिल्कुल सेंटर में इस वुमेन के पॉस्चर की तरफ बनता है उसके साथ साथ आप देखें कि बैकग्राउंड में जो एक्टिविटी दिखाई जा रही है उसको बिल्कुल डिटैच दिखाया गया है फोरग्राउंड से जिसका मतलब यह भी है कि क्लासेस में जो डिस्टिंक्शन है इस टाइम पीरियड में वो इतनी शार्प है कि उनका आपस का रिलेशनशिप भी बिल्कुल सिंथेटिक uh, है उसके बाद ये एग्जाम्पल स्टोन ब्रेकर्स एक मशहूर पेंटिंग है गस्टफ कोबे की और इसके अंदर भी एक ऑर्डनरी लाइफ में जिस तरह से जो मजदूर उस वक्त के हैं वो काम करते हैं उस रियलिटी को दिखाया गया है जो उनके काम करने का पॉस्चर है उसमें आपको क्लियरली नजर आता है कि एक मूवमेंट एक मोशन को कैप्चर किया गया है एक स्टिल इमेज है जो उस मोशन की एक स्लाइस है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो एक ऑर्डनरी इंसान की जिंदगी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में एक लोअर क्लास की जिंदगी वो किस तरह से अफेक्टेड है इस रियलिज्म की वजह से इस पेंटिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली उस टाइम पीरियड में क्योंकि इससे जो ट्रू पिक्चर थी उस वक्त की वर्किंग क्लास की वो आपके सामने आपको नजर आती है इसी तरह ये एक लैंडस्केप की एग्जैम्पल आप देखें जिसके अंदर 1826 की ये एग्जैम्पल है और इसके अंदर भी जो रोमांटिक पीरियड में और उससे पहले बरूक पीरियड में आपको एक आइडियलाइजेशन नज़र आती है लैंड की और नेचर की वो इसमें उस तरह से नहीं दिखाई देती बल्कि इसमें एज क्रूड एज इट इज़ उस तरह से दिखाया गया है कि जो लैंड के अंदर अगर कोई बदसूरती है तो उसको भी एज इट इज़ पोर्ट्रे किया गया है तो स्टूडेंट्स रियलिज्म में जो फोकस है वो ह्यूमन इमोशन से हट के जो सोशल uh, रियलिटी है उसकी जो uh, एक ट्रू पिक्चर है उसको आर्टिस्ट दिखाता है और उसके अंदर वो इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता कि उसने Uh, किसी uh, जो पेटर्न है उसको खुश करना है या किसी अथॉरिटी को सबॉर्डिनेट करना है या उसने अपनी सब्जेक्टिविटी और इमेजिनेशन को इंपॉर्टेंस देनी है बल्कि वो जो लाइफ की रियलिटी है एक सोशल सर्कल में जहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं जहाँ पे एक सोशल ट्रांजिशन अमल पजीर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का और उसमें जिस तरह से एक आम इंसान जो है उसकी लाइफ uh, उसमें गुजरती है वो आर्टिस्ट का एक एम्फेसिस uh, है जो हमें रियलिज़म में नज़र आता है तो यहाँ पे भी इस मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको पेंटिंग्स की मिलती है लैंडस्केप के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई क्योंकि जो एक ऑब्जर्वेशन का रिलेशनशिप था आर्टिस्ट के साथ और काम के साथ वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हुआ कि जितनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगी जितनी क्लियर ऑब्जर्वेशन होगी टू द पॉइंट ऑब्जर्वेशन होगी पेंटिंग को उसी लिहाज से देखा जाएगा और पेंटिंग को जो असेस भी किया जाता था वो इस बेसिस पे किया जाता था कि आर्टिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी स्ट्रांग है उसने कितने एलिमेंट्स को किस तरह से डिपेक्ट किया है